पिछली वीडियो में मैंने ये लाइट कंट्रोलर बनाया था, इसे ऊपर ट्रांसफर कर दिया, एक होल लगा दिया और ये सारा कनेक्ट करके उधर तक सारा सामान जा रहा है। इधर मैंने मार्बल भी लगा दिए, मार्बल बनाना बहुत ही आसान था। जो पेबल्स होते हैं ना, मार्बल भी ऐसे बनती है, और पेबल्स डायरेक्ट बोल सोचता हूँ पेबल्स मिक्स करेंगे तो मार्बल पेबल्स बनेंगे, मार्बल बनेगा। और आज हमें पहले तो सबसे पहले ये वायरलेस ट्रांसमीटर बनाना है, तो इसके लिए और थोड़ा मैं सोच रहा हूँ आने वाली वीडियो में बेस अपग्रेड करेंगे। और मैंने कोड एंट्रीज का भी लगा दिया है और नेदर कोर्स की भी लगा दिया है और नेदर रैक और सोल सैंड की भी हटा दी है और सिलिकॉन का भी लगा दिया, इनकी जरूरत पड़ेगी आगे। तो आज हमें ये बनाना है लेड नी, ये वायरलेस ट्रांसमीटर। इसके लिए हमें चाहिए मशीन फ्रेम, जो कि अभी हमारे पास आए थे, मैंने देखे हैं ऐसे नहीं। कितनी मशीन फ्रेम चाहिए? कम से कम दो चाहिए होंगी। तो हमारे पास सब कुछ है अब। एक दो इसे रखेंगे बीच में, इसे ऐसे, और ये चाहिए 8। मानिए मशीन फ्रेम। तो सब कुछ हमारे पास अभी के लिए, तो ये क्राफ्टिंग गेट, ये क्राफ्टिंग टेबल, और ये हो गया। अब इसके लिए इसे और इसे एक ट्रांसमीटर, सब रेडी है। और अगर हम इसे इस पे लगाते हैं कि जैसे कि कभी कैसे हटाते थे, उपस इसमें पैटर्न्स थे, तो सब कुछ है। इसे हम इसके ऊपर लगा देते हैं, तो ये है नेटवर्क नॉट फाउंड। शायद इसे हमें इधर लगाना है, ओके ओके, इसे ऊपर लगाना होगा। हो गया वेलिंग, पर ये भी 16 ब्लॉक तक ही जा सकता है, ये इधर नहीं जाने का, तो इसमें मैं अभी ग्रिड डाल दूंगी रेंज वाले, जो कि इसी में कोई होगा।
अपग्रेड स्पीड रेंज अपग्रेड ये रहा, तो ये हमें चार बना लेने चाहिए जो कि मुश्किल नहीं होगा। इसके लिए हमें अपग्रेड चाहिए, तो चार इनपुट प्रोसेसर बना के मिलते हैं। और ये रेंज अपग्रेड चार बन गए, अगर हम इसमें डाल देंगे तो 48 ब्लॉक तक चले जाएगा ये रेंज। अब हम इधर भी क्राफ्ट कर सकते हैं, इधर भी क्राफ्ट कर सकते हैं। तो अब हमें इस पर काम करना चाहिए, सिंपल मशीन फ्रेम। तो इसके लिए प्रिटी मशीन फ्रेम चाहिए, लेटेक्स चाहिए होगा, तो ये चार बना लेते हैं। तो 800 कॉस्मेटिक लगा लेते हैं, 8। तो मैं काफी सही क्लियर कर रहा हूँ, क्यों ये प्लास्टिक हो रहा है। और हमें लेटेक्स का एक बोतल चाहिए होगा, इसमें लेटेक्स भर देते हैं। इसमें हमारे पास काफी लेटेक्स है क्योंकि मैंने इसे रोक रखा है, जब प्लास्टिक की जरूरत होगी तो इसमें लेटेक्स भर देंगे। तो एक बकेट है, इससे चार बन जाएंगे लेटेक्स। तो और क्या क्या चाहिए हमें? प्लास्टिक चाहिए होंगी 8, क्योंकि बनी रही है। और चार प्रिंटिंग मशीन फ्रेम। तो सिंपल है, तो हमें वो जो आइलैंड बनाया था मैंने उधर, तो उस पर मुझे एक वो ट्रेडर्स फोन हुआ था, उस पर ये मिली सबसे अच्छी पिकैक्स। तो बॉन्ड चाहिए हमें और लिविंग बुक जो कि 5 है, काफी है। तो ये चार कलेक्ट करने के बाद मिलते हैं। 2 hours later. तो फाइनल ये हो गया, चार मैंने एक निकाल के लगा दिया था, इसे वापस रखते हैं क्योंकि जिस तेजी से हो गया। और इसे इस पर कनेक्ट करते हैं, तो इधर चार प्रिंटिंग मशीन फ्रेम आ गई मेरे पास। और गोल्ड गियर मैंने नीचे बंदे की तरफ दिए थे, और 8 ये चाहिए, 4 ये। तो शायद से सब कुछ हमारे पास, बुकमार्क कर लेते हैं जल्दी से। अच्छा स्टैग नहीं कर सकते नाम तो इसमें। और क्या चाहिए? आयरन, आयरन लेके आते हैं। इस रेसिपी को लॉक कर देते हैं, हमारे पास ये है, कंट्रोल के दबाएंगे जी तो खुद ही खुल जाएगी। तो हमें चाहिए होपर, इसे इसके ऊपर लगा देते हैं, ये सारा आइटम भर देते तो खुद ही बन जाएगा ये। इतने हम ये एडवांस मशीन फ्रेम 2 बनाने हैं, तो 2 गोल्डन ओ, तो 4 ये चाहिए हमें। और क्या चाहिए इसके लिए?
लास्टिक वो सब तुम्हारे पास है, तो नीचे जाके पिंक स्लाइम ले आना। तुम्हारे पास काफ़ी सारा हो गया और मीट फीडर भी काफ़ी सही ज़्यादा हो गया। तो नीचे आए तो वैसे इसमें भरा रखा पर भर लेते हैं फुल। और इसमें पिंक स्लाइम ले लेते हैं, मेरे ख्याल से सारा हो गया। इसमें से प्लास्टिक निकाल लो, दो गोल्ड गियर बनाते पहले इनके, और कंट्रोल पी सी स्क्रैप, ये में चार चाहिए। तो सब कुछ रेडी है, इसे करते हैं लोग। इसमें डालते हैं पिंक स्लाइम, तो पहला हमारा मशीन फ्रेम बनने वाला है। ये बन गया हमारा पहला एडवांस मशीन फ्रेम। अब हमें ये चाहिए, तो सब कुछ हमारे पास इसके लिए। प्लास्टिक चाहिए होगा, फ्रंट में पिंक स्लाइम की बोल तो आसान है। एक बकेट होल ले लेते हैं, इसे इसमें डालते हैं। ग्लास इरे, ये स्लाइम बना देगा हमारा। और गोल्ड चाहिए, दो गोल्ड की गियर, पिंक स्लाइम रेडी हमारी। अच्छे थोड़े से बन जा पिंक स्लाइम। तो एक क्राफ्टिंग टेबल और एक पिकेक्स, हमारी सारी स्टिक्स में यूज करिए। ब्लेज रोड यूज कर सकते हैं, नहीं तो कोई नहीं, स्टिक्स बना लेता हूँ। क्राफ्ट, मैं सिस्टम को सिखा रखा है स्टिक्स कैसे बनाते हैं, तो बना लेते हैं काफी सारे स्टिक्स। और अब बनाते हैं पिकेक्स, तो मेरे पास सब कुछ है। और ये हो गया हमारा रेडी, तो इसे अभी के लिए हम इधर लगा देते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमें करना है एक बकेट लावा, एक बकेट पानी, अब ये कबल स्टोन ना रहे, पर हमें ये स्टोन हो गया वैसे स्मूथ स्टोन तक जाएगा, पर अभी से हमें पॉज कर देना है। हमें स्टोन ये सब नहीं चाहिए, तो इसे हम जैसे कलर जो बनेगा कलर स्टोन उसे हमें क्रशिंग करनी है, तो ग्रेवल बनेगा उसे क्रश करके स्मेल्ट करना है। तो अब शुरू करते हैं, तो हमें बनेगा पहले कबल स्टोन, फिर ग्रेवलर, फिर सैंड, फिर हमारा ग्लास बन जाएगा। तो कंट्रोल जी,
एक ट्रोल लगा देते हैं इसके पास। आइटम 5, तो इसमें अभी के ग्रास बना देते हैं, बाद में इसमें अलग अलग चीजें बनाएंगे जैसे कि सैंड बैंड, हमारी ये केबल इसमें, इसमें सैंड आ गया है तो सैंड चाहिए हमें, ये चाहिए। सिलिकॉन बन गया इसका, हेलो से और इसमें ग्रेड भी डाल सकते हैं, जैसे कि अभी हमें लेटेक्स में जो तो है नहीं, स्पीड अप ग्रेड डाल देते हैं तो जल्दी जल्दी हो जाएगा इसका। पर ये जा के मेरे हमें थर्ड इन्वेंट्री को फुल सेट करना वो कब्जिस्तान फंसा पड़ा था इसमें, इसलिए जा रहा था। हमें सबसे पहले अच्छा क्या दिक्कत हो रही है पता चल गया, इसे ऑफ कर दें, डिसेबल, इन सबको पहले डिसेबल कर देना। अब ये सिलेक्ट करना है तो होगा। हाँ तो ये हो गया हमारा ग्लास का सिस्टम, जल्दी जल्दी बनेंगे। और अब हमें एस्ट्रा सोल्जरी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि हमें ये ब्लड वेल्थ बनाना है जिससे स्टील कैसिंग बनने के बारे। तो ये बना लेते पहले, जो कि आसान है, ये और ये लेते हैं। उप्स, तो बन गया हमारी क्राफ्टिंग टेबल। स्टार्टिंग में हमें ये मिला था क्रिस्टल, लिंकिंग टूल मिला था एक, और ये क्रिस्टल। तो हम इसे लिंकिंग टूल लेंगे, इसे इस पे सेट करेंगे, तो बन गई हमारी क्राफ्टिंग टेबल। फॉर क्वेस्ट कंप्लीट करने के लिए हमें लेना होगा और अब हमें चाहिए ये। तो मेरे ख्याल से इसे मुझे ऊपर बना देना चाहिए, क्योंकि जितना ऊंचा रहेगा उतना शायद से एफिशिएंस होगा, मतलब अच्छा सा काम करेगा। तो थोड़े से टेम्परेचर रोक देते हैं डॉट के,
वो थोड़ा पैक कचरा साफ करते हैं। तो बिल्डिंग कैसी? तो अभी के लिए हम उधर बनाएंगे, अभी मैंने सिर्फ क्राफ्टिंग टेबल लगाई है, नहीं डर्ट को रख देते हैं। तो अभी हम रात होने का वेट करते हैं, तो उससे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या चाहिए। ये क्रिस्टल कैसे मिलेगा हमें? इतना हम ये कर लेते हैं। आयरन 15 है हमारे पास, सारे नहीं करते, चार बचा लेते हैं। तो ये सारे करने के बाद मिलते हैं। तो 11 कलेक्ट हो गए, स्मेल्ट रख देते हैं। और अब हमें ये वेल के एक्रो करी, तो ये रॉक क्रिस्टल कैसे मिलेंगे? तो इसकी जो बुक है, तो मैंने ये देखा इसमें एक रेसिपी है इसकी रॉक क्रिस्टल और की, जो कि आसान है अगर हम इसे लेंगे और अपनी फॉर्च्यून 5 से तोड़ेंगे। मैं काफी सारे मिल गए, तो और थोड़ते हैं, दो ही मिले इस बार। ठीक है इतने क्रिस्टल। अब हमें चाहिए मार्बल्स, जो कि हमारे पास बिल्कुल नहीं है। बस अच्छे वाली भी प्रोड्यूस बहुत देर में कर रही है, ये इसमें समझ में नहीं आता है, 20 बड़ा टाइम लगा रही है मार्बल भी। एक बार फिर से देखते हैं, जा नहीं रही ना वो रिपोर्ट ना, शायद से कॉल भी फिन जा रही हमारी।
अब शायद से गई है, अभी मैं नहीं रखता हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं प्रोडक्शन रोकता हूँ कॉल भी उसका। ये कहाँ से आ गया? तो देखते हैं कितनी देर में हमें मिलते हैं मार्बल। ये शायद से कुछ बफर है क्या? ओके, हमारा जो ग्लोस्टोन का ड्रॉअर है वो भर चुका है, तो हमें अपग्रेड डाल देना चाहिए। तो सारी चीज 40 हो जाएंगी, किसमें स्पीड अपग्रेड है, स्टैक अपग्रेड है, तो पता जल्दी खत्म हो गया। तो उधर हमारे पास आ गई मार्कर, काफी सारी हो गई, 32 सही है। और हमारे पास ऐसे स्टोन कटर था, इसमें हम बना सकते हैं। तो रात भी हो ही गई है, तो ये हमें 3 4 बना लेने चाहिए, तीन बना लेते हैं ऐसे, तो 6 ये चाहिए और 9 ये चाहिए। यही है, सॉरी 9 बना लिया मैंने। ये अब चलते हैं ऊपर इस पे, तो अभी मैंने इसके ऊपर कोई प्लेटफॉर्म सा नहीं बनाया, पर जब क्राफ्टिंग टेबल अपग्रेड होगी तो इसके नीचे ब्लॉक्स लगेंगे। तो हमें क्या चाहिए था, घुमा करते हैं सर, कंट्रोल जी। ओ इधर रेंज नहीं है, तो इसे हम रेंज में करेंगे। और क्या चाहिए हमें, रॉक पिस्टल, मैं 3 बनाने हैं। रॉक तो यही है, तो ये रॉकेट सोचा बुलेट भी कर दूं, कहाँ गए अचीर? तो ये बन गया हमारा, ये हमारा ये और अपग्रेड करने के लिए हमें इसमें चाहिए तो एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बना लेते हैं इसके नीचे। और ये टेम्परेरी के लिए है अभी,
लगाएंगे हम वेल्थ इधर। रेंज में नहीं हम, इधर रेंज मारे, इधर बनाएंगे हम इसका, थोड़ा नीचा करेंगे। रॉक क्रिस्टल और बकेट चाहिए हमें। रात दिन होने से पहले मैंने क्राफ्टिंग टेबल पर सोचा अपग्रेड कर दूँ। तो ये जल्दी घटता है तो मिलते हैं। 2 hours later. तो एक बकेट हमारे पास ही हो तो गया, पर अभी दिन हो गई है तो फिर से रात होने का वेट करते हैं। 2,000 years later. तो फाइनली जो है 8 हो गई थी, ज़्यादा देर एफ के हो गया। तो अब हम इसे बना सकते हैं, बस हमें एक रॉक क्रिस्टल से मिसिंग है। जो कि सब हो गया हमारे पास, अब इसे अपग्रेड करते हैं। पहले तो इसमें था और अब इसमें हम ऐसे करते हैं। ये हो गई हमारी अपग्रेड। तो इसे तोड़ते हैं पहले। हमें थोड़े से टेम्परेरी ब्लॉक ला देने चाहिए। डट और थोड़ा इसे नीचे कर देना चाहिए। ये थोड़ा सा और नीचे, F3 जहाँ तक सही है, इधर तक चल जाएगा हमारा काम। थोड़ा इस साइड कर लेंगे हम। इसका ये थोड़ा अस्तर कम करना है मुझे। इधर हम क्राफ्ट कर सकते हैं, तो इधर लगेगी हमारी ये। तो स्कूटी मार्बल है, लगेंगे हमारे बीच में। पहले तो 3x3 का एरिया बना ले इसके साथ। अंधेरा वैसे ही है, फिर ये ऐसे ऐसे, फिर से कॉर्नर में बुक देख लेते हैं एक बार। हाँ कॉर्नर में भी लगेंगे। और ये हो गया, अब मार्बल भी लगेंगे इधर इधर। और एक साइड से आउटलाइन होगी मार्बल ब्रिक की। हाँ ये कॉर्नर मार्बल ब्रिक नहीं लगने के, इतना लगेंगे चीजें।
जिसे हटाना होगा। एक कहाँ लगा गलत, लिटरली एक मार्बल भी कम पड़ गया मैं। तुमने तो औरतें पहले और इनके साथ मार्बल भी बन जाएगा। और ये लग गया मार्बल पिक। अब हमें चीजें लगाने हैं। और इन पे लगाने पिलर्स। तो बस हमारे पास सब कुछ है अभी, और शायद आउटलाइन हमें ये इंसा करनी है। धीरे करो स्पीड। अच्छा है कि नीचे लग गया मारा मारा मंत्र। ये शायद से मारा हो गया पूरा। नहीं ये भी इसमें कुछ गिर पड़ा है। क्या गिर पड़ा है? अच्छा एक चीज भी लगाना है इसके ऊपर। शायद सब सही है। हाँ अब इसमें लाल नहीं दिखा रहा ना, तो सही है। अब रात होगी तो काम करेगा ये। तो एक और रात का वेट करते हैं, क्योंकि अब हमें ये बनाना है। इसके लिए हमारे पास सब कुछ है। कंट्रोल जी, डीमन की मिल भी है, रेडस्टोन, एक दो तीन चार, और चार स्टील के ब्लॉक चाहिए, बकेट चाहिए, स्टील। तो सब कुछ हमारे पास के लिए। पर हम अभी कर नहीं सकते क्योंकि रात नहीं है। तो रात होने के बाद मिलते हैं। 2,000 years later. तो रात होने के रात हो गई है। तो वहाँ ब्लड अल्टर बन जाएगा। और ये बन गया वहाँ ब्लड अल्टर। इसे हम ये मेरे ख्याल से इधर लगा देना चाहिए। और ये क्वेस्ट लेना तो हमें करनी चाहिए, क्योंकि हमें स्टील केसिंग चाहिए। तो हमें स्टोन डालना इसमें। उससे पहले हमें सेक्रीफाइस लाइफ डालनी चाहिए। और स्टोन तो नेक्स्ट ईयर के लिए हमें 8 चाहिए। 8 और आज स्टील कैसे डालेंगे तो मैं एक बिल्डर बना लूंगा।
तो इसके लिए 1,000 कूलर चाहिए और हमारे पास मीट फीटर है, तो खाने की टेंशन नहीं करनी। तो थोड़े से एक अलग करने के बाद मिलते हैं। 2 hours later. तो ये पहला हमारा वीकेंड हो, इनके ब्लड हो ये बनाते लिए बस हमें 8 ही और बना लें, तो इसे भी बना लेते हैं। अभी मेरे ख्याल से मुझे ये भी बना लेना चाहिए, आसान है ही। इसे जो है इसे हम इधर लगा देंगे, ये ग्लो हो रही है, तो हम अगर हम इसे यूज करेंगे तो ये सारी हेल्थ एक बार मिल जाएगा, पर ऐसे खूब बढ़ते हुआ। तो इसे हमें प्लेस करना है, और ये सब करने के बाद मिलते हैं बस 5 और में और बनाना है ये। तो इन्हें मेरे ख्याल से कोई बग चल रहा है, कंट्रोल जी। हम इसे बना तो ले रहे हैं पर ये यूज नहीं हो रहा है, शायद से यूज होता नहीं है, शायद से लगता है यूज नहीं होता है। तो अगर ऐसा है तो सही है, अब हम इसे तोड़ते हैं। 1, 2, 3, अब हम इसमें स्टील कैसे बना सकते हैं शायद से। तो स्टील ब्लॉक लेंगे, ये इफेक्ट दिखाया था, मतलब हम बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा स्टील केसिंग, बन जाएगा पहला। तो इस पहले स्टील के सीन से मैं ये बिल्डर बनाऊंगा, इसके लिए मशीन फ्रेम चाहिए, मतलब 2 स्टील कैसिंग चाहिए होगा। तो मैं ये सब बना के और इसे निकाल रहा क्यों मिलने यार। तो ऐसे स्टील कैसिंग बनेगी हमारी, तो ये मिलती है तो बनती है तो मिलते हैं। तो ये बन गई हमारी पहली स्टील कैसी। तो उधर हम एक और बना देते हैं और वीडियो को हम इधर ही खत्म करते हैं। ऑफलाइन में एक बनाऊंगा, एक विंडो बनाऊंगा,
जिसका काम होता है वो बिल्ड करके देगा बड़े बड़े एरियाज खुद ही, जैसे कि हमें एक सर्कल बना था, सर्कल बिल्ड करके दे देगा एकदम परफेक्ट, तो वो देखना चाहिए। तो उसे बना दूंगा, तो मैं इस तरह एक हेक्सागोन सोचर बनाऊँ मीटिंग, और ये जो ड्रॉअर फ्रेम है इन्हें भी चेंज करने सोच रहा हूँ। जैसे कि अभी हम लेते हैं नजर का और लेते हैं मार्बल, और ये लेते हैं डार्क ओक, तो इसे हम ऐसे रखेंगे और ऐसे, ये थीम सही लग रहा थोड़ा सा। ये देखो ये थोड़ा इससे अच्छा लगेगा, इसके कॉर्नर्स भी सही है, और अच्छी बात है कि इसमें हम बनाएंगे तो इसका जो सामान है उसमें रहेगा, तो मैं सबको इससे तो रिप्लेस कर दूंगा। तो वीडियो थोड़ी लेट में आएगी अगली, बट मिलेंगे हम अगली वीडियो में। इधर हम ये फिर को जो है क्या चाहिए हमें, जाते जाते देख लेते पहले, फिर फोर्थ में एक बनाना तो हमें सिर्फ ग्रास मिसिंग है, जो कि मैंने बीच में स्केलेटन भी लगाया था, मेरे पास इतने सारे बोन हो गए, तो मैं थोड़ा वो करेंगे बोन भी मारेंगे, सीएस तोड़ेंगे मारेंगे, सीएस तोड़ेंगे वो भी करेंगे, और अगली वीडियो में हम एक लेवल 4 के एपी कर देंगे इस वाले को, शायद से हम दो बना सकते हैं, तो हम उसे भी चेंज कर लेंगे एपेरी। उसके लिए हमारे पास लकड़ियाँ मिसिंग होगी, यानी ब्लॉक्स आ जाएंगे, और जाने से पहले हमें 20 कोल भी, कोल भी को डाल देता हूँ वापस, नॉर्मल 20 को डाल देते हैं, और फ्लावर भी दे देते हैं, और अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और चैनल को, चैनल जैसे से पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, तो अगली वीडियो में सी यू।